टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर कितने से कितने पद तक जाता है, 100 से टेम्परेचर स्टार्ट होता है हमारा, और 100 के बाद अगर ऊपर की बात करें तो कितने पे जाता है वो आपके सामने रहने वाला है, 550, 555 अभी तक की सबसे ज्यादा, मतलब 550 तक देखी थी ये SMD, 555 तक जाती है। आपको अंदर भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर आखिर लगा क्या है। तो भाई अंदर दिखाऊं या नहीं दिखाऊं? तो ये भाई SMD देखो मेरे तो किसी यूज में आने वाली नहीं है, ये SMD आपके यूज में बहुत ज्यादा आने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को 1000 लाइक कर देते हैं तो मैं इसके अंदर गिव अवे का इंडिया की पहली SMD देख रहा हूं जिसके अंदर हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। भाई आज की वीडियो जबरदस्त रहने वाली है। आज मेरे पास YCS की एक मेरे पास SMD आई है और ये भी आई है डायरेक्ट चाइना से। आई तो ये रिव्यू के लिए, मैंने सोचा क्यों ना अपने भाइयों को इसको गिव अवे कर देता हूँ, मगर गिव अवे की एक छोटी सी शर्त है, अगर इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक आ जाते हैं तो ये मेरी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। इसके अगर प्राइसिंग की बात करें तो स्क्रीन शॉट में आप देख ही रहे हैं कि इस टाइम पे इसका प्राइस क्या चल रहा है, बाकी इसके अंदर फीचर क्या क्या रहने वाले वो मैं आपको पूरी डिटेलिंग में बताऊंगा। सबसे पहले तो भाई मैं इसके अंदर ये बता दूं आपको कि भाई SMD के अंदर अलग अलग इसके अंदर काफी सारी नोजल भी दी गई है, और नोजल के अलावा इसके अंदर अगर बात करें क्वालिटी की तो भाई क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि टीचर को मैंने जो इसका फोटो दिखाया था काफ़ी टीचरों की डिमांड थी, समीर भाई SMD कहाँ से मिली, ये तो अभी इंडिया के अंदर आई भी नहीं है, तो मैंने सोचा यार जो चीज़ नहीं आई तो वो अपने भाइयों को तो दिखाना बनता ही है। तो फटाफट से इसको भाई अनबॉक्स कर लेते हैं, यहाँ से अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले भाई मैं भी मतलब इतनी बड़ी कि भाई मेरे को भी पीछे होना पड़ रहा है। सबसे पहले तो भाई जैसे हर बारी की तरह मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर एक यूज़र गाइड निकलती है, किस तरह से इसके अंदर ऑपरेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, वो सारी चीज़ें। इसके बाद इसको बाहर निकालेंगे तो इस टाइप की इसके अंदर थर्माकोल की पैकिंग निकलने वाली है, और थर्माकोल की पैकिंग के बाद SMD को डायरेक्ट बाहर निकालते हैं। SMD को मैंने बाहर निकाल लिया, सबसे मेन चीज़ इस पाउच के अंदर है, ये चीज़ अभी तक आपने कहीं पर भी नहीं देखी होगी। मेन चीज़ें पहले इसके अंदर क्या, एक लीड निकलती है इसकी जो इसको पावर देगी, वो तो हम बाद में देख लेंगे, वो तो आप सब जानते ही हैं। सबसे पहले तो भाई इसकी क्वालिटी चेक करो, फ्रंट से देखिए आपने, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। लो भाई इसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ से चेक करो किस टाइप की रहने वाली है। भाई इसके अगर मॉडल नंबर की बात करें तो R1 के नाम से आती है, और अगर इसकी कंपनी की बात करें तो YCS के नाम से आती है, और ये मेरे पास जो आई है ना, ये मेरे पास आई है क्वाइनली की तरफ से। क्वाइनली वालों ने ये प्रोडक्ट मेरे को लाइव भेजा है रिव्यू करने के लिए, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहने वाली है वो हम अभी आगे वीडियो में देखेंगे। Type-C पोर्ट भी दिया गया है फ्रंट के अंदर ही, यहाँ पर इसके अंदर माइनस प्लस, इधर भी इसके अंदर काफ़ी फेन वगैरह की स्पीड 1, 2, 3 वगैरह, चैनल वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हैं। तो भाई इसको यहाँ पर मैंने फिलहाल इसको रख दिया। अब मैं जो आपको बोल रहा था कि मेन चीज़ इसके अंदर है, तो वो क्या है मेन चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको इसके अंदर दो पैकेट ही ओपन करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया रहेगा कि क्या है ये। भाई अभी तक आपने इस टाइप की नोजल देखी होगी मार्केट के अंदर, काफ़ी सारे भाइयों ने इस टाइप की नोजल देखी होगी मार्केट के अंदर, और इसके अंदर भाई इस टाइप की नोजल आई है ये। भाई ये EMMC CPU वगैरह जो भी हमारे भाई काम करते हैं उनके लिए एकदम बढ़िया रहने वाली है, इस टाइप की नोजल है। और नोजल को लगाने के अगर तरीके की बात करें तो ये SMD है यहाँ पर, SMD के बाद इसको यहाँ पर मैंने इस तरीके से लगाया, प्लग एंड प्ले, गिरेगी नहीं, प्लग एंड प्ले, ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी। कोई भी इसके अंदर हार्डनेस कुछ भी नहीं है, प्यार से निकल रही है, और इसके अंदर प्यार से इसको अंदर यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे क्विक 857DW+ आती है ना, उसमें यहाँ पे एक स्क्रू दिया होता है, उसको टाइट वगैरह करना पड़ता है, कुछ टाइम बाद लूज हो जाता है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है ये रहा। बाकी इसको अभी हम यूज़ करके देखेंगे कि भाई किस तरह से कितने सेकंड में कितने टाइम ये ऊपर चली जाती है। सबसे मेन बात ये अभी इसके फीचर वाली बात, इसके फीचर देख लेते हैं एक बार। तो इसके फीचर देखने के लिए भाई मेरे पास एक ये पावर केबल है, और पावर केबल को भाई मैंने इसके अंदर लगा दिया यहाँ पर इसके पीछे। इसको अगर ऑन करने वाली बात है तो यहाँ से जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर हमारी SMD ये ऑन हो जाती है। ये आपको मैं डिस्प्ले में दिखा देता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, इसको ये ऑन हो जाती है। इसके जो फीचर हैं और क्या क्या फीचर हैं मैं आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं, ये देखिए टेम्परेचर के लिए यहाँ पर बटन दिया गया है। इसकी बात करें तो ये हो गई हमारी फ़ैन की स्पीड, अब ये फ़ैन की स्पीड देख रहे हैं इससे कम ज़्यादा हो गई। इसकी अगर बात करें तो ये जो इसके अंदर सामने ये तीन दिए गए हैं, 1, 2, 3 जो दिए गए, और एक सेटिंग का इसके अंदर बटन दिया गया है। तो ये भाई ये हैं हमारी चैनल 1, 2, 3, ये सारे के सारे चैनल इसके अंदर सेट करके हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाई मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ कितने पर ये है, कितने सेकंड में कितनी स्पीड पे ये जाती है वो देखेंगे। चैनल 1 के ऊपर 200 इसके अंदर भाई टेम्परेचर है, और 200 इसके अंदर एयर है, पूरी की पूरी डिजिटल है। भाई मज़ा आ गया ये चीज़ देख के, पूरी की पूरी डिजिटल है, और आने वाले टाइम में कभी अगर अपडेट भी होने चाहती है तो इसकी मदद से टाइप सी अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप वगैरह में लगा के इसको अपडेट भी कर सकते हैं। ये देखिए 200 दोनों मैंने अभी आपको बताया था, ये मैंने इसको उठाया
और ये देखिए अचीव कितनी जल्दी ये अचीव कर रही है, देख रहे हैं। जबकि मैंने ये बड़ी नोजल लगा रखी है, अगर यही नोजल मैं थोड़ी छोटी लगा दूंगा तो और जल्दी हो जाएगा क्योंकि एयर कम निकलेगी। अभी इसी को और जल्दी करना है तो एयर को कम कर सकते हैं यहां से, जैसे कि देख रहे हैं एयर को लेके जाते हैं कई, एक पे भी एयर आ रही है इसकी, एक पे कुछ काम करती भी है नहीं। ये मैंने उठाया, अब देखो कितनी स्पीड से चला गया। ओ भाई साहब एक पे भी एयर दे रही है। ओ भाई साहब इसके अंदर तो स्पायरल लगा हुआ है, अंदर ही हैंडल के अंदर इन्होंने स्पायरल लगा के दिया है, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। अब इसके अंदर भाई क्या करेंगे, इसके अंदर भाई अब इसकी एयर एक पे तो मैंने देखी है, इसकी एयर को करेंगे पूरा का पूरा फुल। कितने पे जाती है इसकी एयर इस टाइम पे मैंने कर रखी है 200 पे। भाई 200 एयर बढ़िया है, चीज़ अच्छी है। चलो एयर को कम कर लेते हैं, 200 की बजाय इसको लेके चले जाते हैं हम 50-60 पे लेके जाते हैं। भाई इतनी एडवांस में चल रही है तो मज़ा आ रहा है, इसको एयर को सेट करने में भी मज़ा आ रहा है। चलो भाई 60 पे मैंने एयर कर लिए, टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर कितने से कितने पर तक जाता है, 100 से टेम्परेचर स्टार्ट होता है हमारा, और 100 के बाद अगर ऊपर की बात करें तो कितने पे जाता है वो आपके सामने रहने वाला है। 550, अभी तक की सबसे ज़्यादा, मतलब 550 तक देखी थी ये SMD, 555 तक जाती है। चलिए हीटिंग भी बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, हीटिंग करिए मैंने 550 और इसके अंदर एयर करिए मैंने 150। अब मैं इसको उठाता हूँ, देखते हैं कितनी स्पीड में आती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 155, मतलब 50 तक देखी थी ये 55 तक जाती है। मैं तो भाई 50 सोच रहा था अभी थोड़ी देर पहले, दोबारा से याद आया 55 तक जाती है, मतलब 8-10 सेकंड के अंदर 555 अचीव करना तो बहुत ज़्यादा है। भाई देखो हैंडल, देखो देखो कैसे लाल है हैंडल, देख रहे हो कैसे लाल है, ये देखो लाल है भाई, हैंडल कितना लाल है भाई। मैं इसको कम कर लेता हूँ, मैं नहीं चाहता हैंडल काला पड़ जाए, मैं नहीं चाहता। जैसे स्पीड कम करते हैं नीचे तो ये हमारा ग्रीन पे होता चले जाता है। देखो और यार क्या मस्त मस्त चीज़ें बना के दी हैं इन्होंने यार, मज़ा आ रहा है देखने में भी। तो भाई जैसे कि हर बारी की तरह होता है कि भाई मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर आखिर लगा क्या है। तो भाई अंदर दिखाऊँ या नहीं दिखाऊँ, बंद तो कर नहीं रहा भाई, बिल्कुल लेटेस्ट SMD है, खोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मगर आप कहेंगे कि समीर भाई अगर आपने इसको नहीं खोली तो मज़ा नहीं आएगा, तो आपके लिए इतना तो बनता है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो भाई हर बारी की तरह मेरे पास ये एक गन है, स्क्रू ड्राइवर, मतलब इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, इसकी मदद से हम इसको ओपन करके देखने वाले हैं। तो भाई आपके सामने इस टाइम पे खुल जा सिम सिम वाली बात है, तो ये भाई मैं इसको, ओ भाई साहब कसम से भाई, सबसे पहले तो इसकी क्वालिटी देखो, सबसे पहले भाई क्वालिटी देखो, नो डाउट मज़ा, नो डाउट भाई मज़ा आ रहा है इसको देख के, एक नंबर। ये इंडिया की पहली SMD देख रहा हूँ जिसके अंदर वायर के ऊपर भी ये स्लिप लगी हुई है। कितनी सारी मैं रिव्यू करता हूँ, बहुत सारी SMD मैंने अपनी लाइफ के अंदर रिव्यू करी हैं, ये जो स्लिप है ये मैंने अभी तक किसी भी SMD के अंदर नहीं देखी। नंगी तारे लगा देते हैं, हो सकता है वो भी अपनी जगह सेफ होंगे, मैं ये नहीं कह रहा गलत हैं, शुरू से इसी तरह से लगते आई हैं, मगर इन्होंने भाई इसके ऊपर हर तार के ऊपर स्लिप लगा के दिए, क्वालिटी अपडेट करी है, बहुत ज़्यादा अपडेट करी है क्वालिटी। तो भाई क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर इस टाइप से ये आ गया, हमारा एक SMPS आ गया जिसके अंदर हमारा 220 आता है और ये अपने अपने हिसाब से इसको भेजता है। अगर पंप की बात करें तो इसके भाई अंदर 3 वायर इसके अंदर यहाँ पे लगी हुई है, और पंप कितने वोल्ट से चलता है इसके ऊपर कोई भी चीज़ अभी इन्होंने मेंशन करके नहीं दे रखी है। अगर इसके अंदर यहाँ पे अगर फ्रंट की, अगर इस फ्रंट की बात करें तो इसके अंदर जो ये वाला इसके अंदर बोर्ड दिया गया है, इस बोर्ड के अंदर भी इन्होंने बजर वगैरह चीज़ें, SMD कंपोनेंट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने लगा के दी हैं। नो डाउट भाई अच्छी चीज़ें इन्होंने लगा के दी हैं। और अगर इस SMD की कॉस्ट की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया था, अगर काफ़ी भाई सोच रहे होंगे यार ये SMD काश हमें मिल जाए, तो ये भाई ये SMD देखो मेरे तो किसी यूज़ में आने वाली नहीं है, ये SMD आपके यूज़ में बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को 1000 लाइक कर देते हैं तो मैं इसके अंदर गिव अवे का कोई भी रैंडमली जो कमेंट पिक कमेंट होता है वो उठाकर उस भाई को ये मिलने वाली है। तो वीडियो पसंद आई हो तो भाई एक बार फिर से लाइक कर दो, शेयर कर दो, मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।